हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखिए आज हमारी हेडिंग है मिश्रण और यौगिक में अंतर। मिश्रण तथा यौगिक में अंतर। एक लकीर खींच लीजिए बेटा, जैसे मैं बनाता हूँ बेटा वैसे बनाना आप लोग भी। इस तरफ लिखिए मिश्रण, इस तरफ लिखिए यौगिक, बन गया। अब नंबर एक देखिए, नंबर एक है हमारा देखो, दो या दो से अधिक, 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 दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी, दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में, किसी भी अनुपात में मिलाने पर, मिलाने पर मिश्रण, लाने पर मिश्रण बनते हैं या मिश्रण बनता है। ठीक है, इसमें लिखेंगे, इसी के सामने लिखना, इसमें लिखो, दो या दो से अधिक 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 तत्वों के निश्चित, तत्वों के निश्चित, तत्वों के निश्चित अनुपात में, दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया से यौगिक, अभिक्रिया से यौगिक बनते हैं, यौगिक बनते हैं। नंबर एक कंप्लीट। ठीक है, ये किसी भी अनुपात में इनको मिला सकते हो, जबकि ये बड़ा निश्चित अनुपात होता है, इनका फिक्स होता है कि इतना ही लेना है आपको, अमाउंट फिक्स होता है। और यहां बेटा आप जितना भी चाव डाल सकते हो, पानी चीनी जितनी भी डालो डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, उससे नहीं फर्क पड़ता। ओके, आगे देखिए नंबर दो देखिए बेटा। आप
मिश्रण में अवयवी, अवयवी मतलब होता है जिससे मिश्रण बना हुआ, जैसे कि आपने शरबत बनाया है तो शरबत के अवयवी जो पदार्थ होंगे वो क्या है हमारे, जल और चीनी, ठीक है ना, जिनसे वो बना होता है। तो मिश्रण में अवयवी पदार्थों के, अवयवी पदार्थों के गुण, अवयवी पदार्थों के गुण विद्यमान रहते हैं, रहते हैं, ठीक है। जैसे आपने शरबत बनाया तो शरबत में आप जानते हैं कि जल जो है स्वादहीन है तो वो स्वादहीन रहेगा, और आप जानते हैं कि जो चीनी है हमारी वो मीठी है तो चीनी जो है मीठी होगी। तो जब आप शरबत बनाओगे तो उसके अंदर जल जो है स्वादहीन रहेगा लेकिन शरबत जो है में मीठा लगेगा, तो जो मीठापन है वो किसके कारण है, चीनी के कारण, ठीक है ना। तो मिश्रण में अवयवी पदार्थों के गुण विद्यमान रहते हैं। इसमें लिखिए यौगिक में अवयवी तत्वों के गुण विद्यमान नहीं होते हैं, ठीक है, नहीं होते हैं। दूसरा नंबर डा पूरा हो गया। थर्ड नंबर देखिए, थर्ड नंबर है मिश्रण जो मैंने बनाया बेटा है के अवयवों को, मिश्रण के अवयवों को भौतिक विधियों के द्वारा, भौतिक विधियों के द्वारा पृथक किया जा सकता है, मतलब अलग किया जा सकता है, ठीक है, अलग किया जा सकता है या पृथक किया जा सकता है, ठीक है। इधर देखिए नंबर तीन, यौगिक के अवयवों को भौतिक विधियों, यौगिक के अवयवों को भौतिक विधियों के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता,
नहीं किया जा सकता है। मैं आपको समझाता हूं बेटा। देखो बेटा, मान लीजिए अभी मैंने शरबत बनाया, ठीक है, तो आप समझ सकते हो बेटा, यहां पर अब यहां समझ सकते हो, अगर मैं सने शरबत बनाया है तो भौतिक विधियां से हम पानी और चीनी को अलग कर सकते हैं। आप जानते हैं कि जो मिश्रण बना हुआ है, तो अगर आप चाहें तो उसको अलग कर सकते हैं। कैसे करना यह है कि आप उसको गर्म कर दीजिए, तो वाष्पन विधि क्या है, एक भौतिक विधि है, ठीक है ना। तो पानी उड़ जाएगा, वाष्प बन गया, चीनी रह जाएगी, ठीक है ना। ठंडा कर दीजिए तो बर्फ बन के और बन जाएगा, ठीक है ना। तो आप कई विधियां हैं जो भौतिक विधियां, वाष्पन विधि है, ठंडा करना है, ठीक है ना, संघनन विधियां हैं, तो ये सब विधियां भौतिक विधियां कहलाती हैं। और जो हम जैसे कि H2O बनाया, हमने पानी बनाया, ठीक है, अब कहते पानी को मैं अलग कर दू, हाइड्रोजन अलग हो जाए, ऑक्सीजन अलग हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप गर्म करोगे तो गैस बनेगी, और जो गैस बनेगी वो वाष्प बनती है, और जो वाष्प को ठंडा करोगे फिर जल बन जाएगा। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम गर्म करके अलग नहीं कर सकते, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एक बार बन गया तो बन गया, ठीक है ना। लेकिन यहां पे हम इधर अलग कर सकते हैं, इधर वाले को अलग नहीं कर सकते हैं भौतिक विधियों के द्वारा। नोट कर लीजिए, तीन नंबर हो गया। अब चौथा नंबर देखिए, ठीक है, नंबर चार देखिए, मिश्रण बनने में ना तो ऊष्मा मुक्त होती है, मुक्त होती है, मिश्रण बनने में ना तो ऊष्मा मुक्त होती है और ना अवशोषित होती है। अवशोषित होती है मतलब ना ही वो उत्सर्जित करेगा ना ही वो ग्रहण करेगा, लेकिन यहां बेटा होता है, ठीक है ना, यहां पे होता है। इसमें लिख लीजिए, यौगिक बनने में, यौगिक बनने में यौगिक बनने में ऊष्मा मुक्त होती है और अवशोषित भी होती है। नंबर पांच देखिए, ठीक है, मिश्रण के क्वथनांक तथा गलनांक निश्चित नहीं होते हैं। इधर क्या लिखोगे, मिश्रण
योगी के क्वथनांक और गलनांक निश्चित होते हैं, सिक्स नंबर है। मिश्रण के अवयवों का अनुपात, मिश्रण के अवयवों का अनुपात स्थिर नहीं होता, नहीं होता है। जल्दी लिखो गया, योगिक के अवयवों का अनुपात स्थिर होता है। स्थिर होता है। हो गया, डर है। चल नेक्स्ट देखिए, आगे देखिए, हमारे पास में बेटा तीन पात्र हैं, इसमें बेटा मैंने NaCl डाला, नमक डाला है, चीनी डाली। इसमें मैंने बेटा यहां पर ये जो इसके अंदर है बेटा जल है, जल भर रखा है, जल भर रखा है, ठीक है। इसके अंदर मैंने स्टार्च डाल दिया, स्टार्च। यहां पर मैंने बालू या मिट्टी डाल दी है, ठीक है। तो जब आप जल में NaCl डालोगे तो इसमें ये घुल जाएगा और इसमें जो है कण दिखाई नहीं देंगे, ठीक है ना। NaCl स्टार जाल डालोगे तो इसमें छोटे छोटे कण, बहुत ही छोटे छोटे कण दिखाई देंगे, मतलब ऐसे नहीं दिखाई देंगे लेकिन दिखाई देंगे। इसमें बालू जो है आप जाके जानते हो नीचे बड़े बड़े कण होंगे, वे नीचे बैठ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें जब मैंने ये डाला तो ये गायब हो गया, ये दिखाई नहीं दिया। और ये जो है आपका इसके अंदर दिखता है, ये भी दिखता है। तो जहां पर तीनों के तीनों हमारे जो बेटा हैं
वो क्या है जानते हो? मिश्रण है। ठीक है, क्या है? मिश्रण है। और तीनों जो मिश्रण है अलग अलग हैं, सबकी प्रॉपर्टियां अलग अलग हैं, इसलिए तीनों मिश्रण अलग अलग है। ये तीनों के तीनों मिश्रण हैं, लेकिन तीनों के मिश्रण के अलग अलग हैं, तो अलग अलग जो प्रॉपर्टियां हैं तो अलग अलग नाम होंगे। आप देखो ना, सोचो मेरी बात समझो। अगर मेरा नाम अलग है, राव सर का नाम अलग है, सौरभ सर का नाम अलग है, तो अलग अलग नाम होने का रीजन क्या है? हमारे प्रॉपर्टियां अलग अलग हैं। देखिए, वो मैथ पढ़ाते हैं, वो इंग्लिश पढ़ाते हैं, हमें साइंस पढ़ाता है, वो केमिस्ट्री, तो सबकी प्रॉपर्टियां अलग अलग हैं। तो नाम अलग मतलब प्रॉपर्टी यानी कि गुण अलग। आप भी देखिए, आपके नाम, आपके दोस्तों के नाम अलग अलग हैं। क्यों अलग है? क्योंकि आप लोगों की प्रॉपर्टियां अलग अलग है, आपके लोगों के गुण अलग अलग होते हैं। ठीक है ना? तो अब इसकी जो प्रॉपर्टी है, इसकी जो प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी के बीच पर इसको बोला गया विलयन। कौन सा विलयन? वास्तविक विलयन। इसको बोला गया कोलाइडी विलयन, और इसको बोला गया निलंबन। ठीक है, क्लियर है? इसको बोलते हैं वास्तविक विलयन, इसको बोलते हैं कोलाइडी विलयन, और इसको बोलते हैं निलंबन। यानी कि जो है ये विलयन है, ये कोलाइडी विलयन और ये निलंबन है विलयन, ये मिश्रण है ना, तो मिश्रण यानी विलयन, तो वह वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन और वो निलंबन कहलाता है। सस्पेंशन, ट्रू सोल्यूशन, कोलाइडल सोल्यूशन, सस्पेंशन। ठीक है, तो अगला जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है विलियन। ठीक है, विलियन, तो बेटा आप लोग हिरी रहिए, विलियन। विलियन सोल्यूशन, सोल्यूशन विलियन। ठीक है ना, इसको बेटा अगले दिन करेंगे।